हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सन्मित सिंह और आप देख रहे हैं सन्मित सिंह एस स्क्वायर। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी माइकोप्लाज्मा क्या होती है, माइकोप्लाज्मा और क्या होते हैं उससे रोग, और इस साथ ही और उसके कई लेक्चर बताए थे। और उसके बाद एक नया जगत चालू कर रहे हैं, उसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सामान्य लक्षण, प्रोटिस्टा जगत में क्या लक्षण होते हैं, क्या होता है प्रोटिस्टा, ये सब जानेंगे। ठीक है, देखिए, इस जगत को हाइकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत प्रणाली में प्रतिपादित किया था। जो प्रोटिस्टा जगत था, और वो किसने प्रतिपादित किया था, हाइकल। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब बता दिया है, और नहीं देखे तो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड और प्लेलिस्ट बनी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जगत की खोज किसने की थी, हाइकल ने। ठीक, तीन जगत प्रणाली में बताया था, और इस जगत में एकल कोष की यूकैरियोटिक सुकेंद्र की जीवाते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये जलीय जीव होते हैं, क्या होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। ठीक है, जलीय जीव होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के जल में रहते हैं, देखिए, ज़्यादातर जो होते हैं ये लवड़ी होते हैं, लवड़ी समुद्र में और अलवड़ी स्वच्छ जल में। ठीक है, जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, क्या होते हैं, ये दो प्रकार के जल में पाए जाते हैं, एक लवड़ी एक अलवड़ी स्वच्छ जल। ठीक है, लवड़ी जल जो समुद्र में पाए जाते हैं, ज़्यादातर लवड़ी जल में मिलते हैं इस जगत के जीव, और अलवड़ी जल। ठीक है, अलवड़ी मतलब जैसे खारा पानी नहीं होता, जैसे स्वच्छ जो मीठा पानी जिसे पिया जाता है, ठीक, उसमें भी पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, इनमें किस आधार पर होता है, देखिए, न्यूट्रिशन जो होता है इनमें स्वपोषी, मिश्रित पोषी, परपोषी, तीन प्रकार से होता है। एक स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, एक मिश्रित पोषी होते हैं जिसे कहते हैं मिक्सोट्रोफिक, उसके बाद परपोषी, हेटरोट्रोफिक। ठीक है, मिश्रित पोषी में युग्लिना पादप और जंतु के लक्षण दर्शाता है। जो मिश्रित पोषी में युग्लिना नामक जीव होता है, वो पादप और जंतु दोनों के लक्षण दर्शाता है। देखिए क्या है, युग्लिना जो है, इस समूह का मुख्य जीव भी है जो युग्लिना है प्रोटिस्टा जगत का। देखिए, युग्लिना दिन में स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन रात्रि में दूसरों जीवों का यह भक्षण करता है। युग्लिना जो है रात्रि में दूसरे जीवों का भक्षण करता है, और दिन में अपना भोजन स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसे पादपों और जंतुओं के बीच की सहयोगी कड़ी माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। सो उसके बाद देख लेते हैं प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। देखिए, प्रोटिस्टा जगत का जो वर्गीकरण है वो पोषण के आधार पर है। ठीक है, देखिए, स्वपोषी, परपोषी जो मृतोपजीवी होते हैं, उसके बाद जो परपोषी वो परजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये परपोषी ही, ठीक है, यानी कि मृतोपजीवी एक परजीवी। ठीक है, देखिए, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनाइट, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उसके बाद परजीवी जो मृतोपजीवी होते हैं वो क्या होते हैं, अपंग कवक होते हैं, अपंग कवक। ठीक है, स्लाइम मोल्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, स्लिम मोल्ड। ठीक है, उसके बाद परपोषी जो परजीवी होते हैं, परजीवी कौन से, प्रोटोजो, ये क्या है, परजीवी। मृतोपजीवी कौन है, अवपंख कवक। ठीक है, स्वपोषी कौन है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनाइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।